सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज ये क्लास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और स्प्रेडशीट से रिलेटेड है, और आज के इस क्लास में हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे एक काफी अच्छे मित्र हैं शिवशंकर सर, शिव सर। तो आज उन्हीं के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम ढूंढेंगे, ठीक है। और ये एंकर भी हैं, तो इन्हीं के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। शायद आपको भी हो सकता है कि इस तरह की कंफ्यूजन हो, तो आपकी भी कंफ्यूजन दूर होती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये है कि सर, ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, अब देखिए यहाँ पे कैल्क ओपन किया है मैंने, ओपन ऑफिस कैल्क। अच्छा, कैल्क में और एक्सेल में क्या डिफरेंस है? कैल्क और एक्सेल दोनों ही, पहले सिमिलरिटीज बता देता हूं, दोनों ही एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस कहां मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा एक्सटेंशन में, ठीक है। लेकिन दोनों ही काम तो एक जैसे करते हैं, कंपनियां अलग अलग हैं, ठीक है। यहां पर ओपन ऑफिस किसी और सर्वर पर काम करता है, एक्सेल इंडिविजुअली एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन है दोनों स्प्रेडशीट ही। अब स्प्रेडशीट का क्या मतलब हुआ? ये देखिए, ये कॉलम है, ये ए कॉलम है, दिख रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इसे मैं एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूं ताकि पता चलता रहे, ये ए कॉलम है, ठीक है। ये देखिए, ये बी जो है ये भी एक कॉलम है। इसी तरीके से सी डी जो भी आपको दिख रहा है ना, ये सब कॉलम्स है। रो की कहानी क्या है? रो क्या है? ये देखिए, ये थ्री है, ये एक अलग रो है, ठीक है। ये जो थ्री दिखाई पड़ रहा है ये एक अलग रो है। फिर देखिए यहां पर ये वन टू, ये सब रो है। यानी रो आपको मिलेगा लेफ्ट टू राइट, आप बढ़ते जाइए ये रो है, ठीक है। ऊपर से नीचे नीचे आते जाइए ये कॉलम है। तो जो भी सॉफ्टवेयर रो और कॉलम से मिलकर के बना होता है उसे कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल आप एक्सेल में भी देख सकते हैं सेम तरीका। ये देखिए, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है, ये भी रो है। तो ये एक्सेल में भी यही कहानी है, किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कहानी आपको यही मिलेगी। एक्सेल जब नहीं चला करता था तो एक सॉफ्टवेयर आता था स्प्रेडशीट, जिसे हम लोटस के नाम से जानते थे, वहां पर भी यही कहानी। तो अभी ये तो बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली क्या डिफरेंस है। अच्छा, मान लीजिए एक फाइल मैं ऐसे ही बना लेता हूं, कुछ यहां पर टाइप कर देता हूं एक्सेल पे, और अब मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सेव कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और एक पर्टिकुलर नाम इसको दे देता हूं, ठीक है। अब जैसे नाम क्या दूंगा? एक्सेल वन। ये एक्सेल वन के नाम से इसे सेव कर दिया, तो और इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने एक एक्सेल की फाइल सेव की एक्सेल वन नाम से, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए ये कैल्क की फाइल है, यानी ओपन ऑफिस कैल्क। अब इसको भी सेव करते हैं, तो यहां पे सेव पे क्लिक करके इसको भी सेव करेंगे। हम कहां पे सेव करेंगे? डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। तो इसको कैल्क वन के नाम से सेव करेंगे, कैल्क वन, कैल्क वन। उसको एक्सेल वन से किया था, इसको कैल्क वन से करेंगे, डेस्कटॉप पे ही करेंगे। तो ये डेस्कटॉप पे कर दिया। अब दोनों फाइलों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा समझेंगे। उससे भी पहले जरा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिजाइन व्यू में जाकर के कुछ भी यहाँ पे नेम वगैरह कुछ भी दे देता हूं और इसको सेव करता हूं, ठीक है। ये एन ए एम ई होगा, यहाँ पे एन ए एम ई, ये नेम हो गया। और यहाँ पे डेटा टाइप टेक्स्ट रख करके और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। यहां से जाकर के इसको सेव करेंगे। पहले तो व्यू पे लेकर के इसमें कुछ टाइप कर देता हूं, जैसे यहाँ पे टाइप किया राम, फिर यहां पर आए तो यहां पे टाइप कर दिया श्याम, ठीक है। अब आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई रो और कॉलम की कहानी नहीं है। यहां पर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपको कॉलम जैसा नजर जरूर आएगा, लेकिन यहां पर रो और कॉलम होता जरूर है, लेकिन कहानी बिल्कुल उलट है। क्या आप यहां पर टाइप कर सकते हैं दोबारा टू? तो अगर मैं टू टाइप करने की कोशिश करूंगा तो यहां पर मैं टाइप नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेल में कहानी बिल्कुल अलग है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में बिल्कुल अलग है कहानी। तो चलिए इसको पहले सेव करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था इसको सेव किया जाएगा, तो इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं। चलिए ये तो सेव हो गया, ठीक है। अभी इसको मिनिमाइज कर देते हैं और आते हैं कहां? डेस्कटॉप पे, जो फाइलें हमने सेव की थी, जैसे ये एक्सेल वन के नाम से सेव किया था। तो अभी पहला डिफरेंस तो आपको पता चल रहा है कि कंपनी का डिफरेंस है। इसको किसी अन्य कंपनी ने बनाया था ओपन ऑफिस को। ओपन ऑफिस अपाचे सर्वर पर काम करता है और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तो यहां से राइट क्लिक करता हूं एक्सेल की फाइल पर और यहां पर प्रॉपर्टीज पे चला जाता हूं। तो यहां आपको फाइल का एक्सटेंशन दिखाई पड़ रहा होगा .xls दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि एक्सेल सॉफ्टवेयर पे ये बना हुआ है। अब कैल्क की क्या कहानी है? यहां पर राइट क्लिक करते हैं और यहां प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। जैसे ही प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो यहां पर कहानी अलग है, यहां पर ods दिखाई पड़ेगा। यानी ओपन ऑफिस कैल्क का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो ods होता है, समझ में आ रही है बात? तो ये दोनों में डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर, आगे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए, यहां पर अगर मैं कैल्क में आता हूं और यहां पर टाइप करने की कोशिश करता हूं 44, टाइप कर लिया। यहां पर टाइप करते हैं कुछ और 66, टाइप कर लिया। यहां पर कुछ और टाइप करते हैं 55,
टाइप कर लिया, 44 को रिपीट कर देते हैं रिपीट हो गया, 55 को रिपीट कर देते हैं रिपीट हो गया। रिपीटिशन हो सकता है यहां पे, यहां पर किसी भी प्रकार का रिपीटिशन हो सकता है, कोई की नहीं मिलती है हमको यहां। अब चाहे एक्सेल की ही बात क्यों ना कर लें, एक्सेल में भी सेम कहानी थी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, वापस से ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब यहां पर देखिए, यहां पर जरा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करेंगे, यहां पर आईडी को डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा मैंने, और ये देखिए ये प्राइमरी की है, तो जब ऑटो नंबर रखा है तो इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इसको मैं टेक्स्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब हम खुद से टाइप करेंगे, समझ में आ रही है बात, या फिर नंबर कर सकते हैं, तो यहां पर नंबर भी आप दे सकते हैं इसको, तो ये नंबर कर दिया, लेकिन ये है प्राइमरी की, एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है, तो एक ये प्राइमरी की हो गई आईडी के नाम से, ठीक है। अब इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, यहां से ये क्लोज कर दिया। अब यहां पर देख रहे हैं कि एक हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म ओपन है, लेकिन अभी हम टेबल पे जाने वाले हैं, ये आगे टेबल पर। अब देखिए यहां पर अगर मैं टाइप करता हूं 11, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 11 एक ही बार टाइप किया इस टेबल में, फिर यहां पर टाइप करते हैं 12, समझ में आ रहा है सर जी, बिल्कुल। चलिए यहां पर 13 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक नहीं। अब यहां पर एक और अलग से नाम टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए एक नाम टाइप कर दिया हमने रितेश, ठीक है, तो ये रितेश हो गया। अब यहां पर आते हैं वापस से, यहां पर फिर वापस से 13 टाइप करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये प्राइमरी की है, तो 13 टाइप कर दिया, इजिली एक्सेप्ट कर गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नाम जो है अलग दे देते हैं, जैसे गौरव, ठीक है, तो ये दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होगी, जैसे ही हम यहां से हटेंगे तो ये बोल रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि इस इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, तो अभी आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये आगे बढ़ नहीं सकते, ये की का फैक्टर है, ऐसा एक्सेल में नहीं होता है या कैल्क जो सॉफ्टवेयर है इसमें नहीं होता। यहां पर देखिए इजिली मैं यहां पर नंबर डालता जा रहा हूं और चीजें एक्सेप्ट होती चली जा रही है, ऐसा नहीं कि इस कॉलम में कर दिया अगले में नहीं कर सकता, अगले में भी कर सकता हूं, जैसे एक नाम एंटर किया एस यू आर ए जे, ठीक है, यहां पे एंटर किया राम, ठीक है, फिर यहां पे एंटर करता हूं एस यू आर ए जे, तो यहां पे एक्सेप्ट तो करता जा रहा है, हर बार तो हम टाइप कर रहे हैं सेम नेम, तो जितनी बार चाहे उतनी बार सेम नेम, डुप्लीकेट वैल्यू जैसी चीज यहां पर नहीं होती है, ये याद रखिएगा, की जैसी चीज नहीं होती है, यहां पर आपको कीज मिल जाती है, ठीक है। तो अभी एक की के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, हमेशा यूनिक ही होगी। तो अभी क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, हमने प्राइमरी की आईडी को ही बनाया था, ये भी बात याद रखने वाली है, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, यहां पर 14 कर देते हैं, 14 कर दिया। अब यहां पर टाइप करते हैं, अब चलिए एक बार नाम जो है रिपीट करके देखते हैं, नाम को तो हमने प्राइमरी की बनाया नहीं था, तो क्या नाम को भी एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो नाम पे कहानी ये है कि नाम को ये एक्सेप्ट कर जाएगा, क्योंकि नाम तो फॉरेन की है, ठीक है। अब यहां पे आ गए, कर्सर हमारा आ गया इजिली, 15 टाइप करेंगे कर्सर इजिली आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पे एक और नाम टाइप कर देता हूं, ये टाइप कर दिया, फिर आगे बढ़ते हैं, कर्सर हमारा इजिली आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कोई रेपिटेटिव नंबर डालेंगे तो कर्सर आगे नहीं जाएगा। जैसे अब यहां पे आ गए, अब यहां पर लिखता हूं एक और नाम, कुंदन लिख दिया, ये नाम लिख दिया। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे यहां पर ये आगे ही नहीं बढ़ेगा, ये कहानी होती है प्राइमरी की। फॉरेन की आपने समझ लिया, ये फॉरेन की है, फॉरेन की यानी रितेश नाम दो बार टाइप किया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये जो प्राइमरी की हमने 15 ऑलरेडी डाल दिया है यहां पर, फिर दोबारा डाल रहा हूं, इसलिए ये हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को बना देंगे 16 या कुछ और बना देंगे जो कि इस टेबल में, इस कॉलम में ना आया हो, इस आईडी में ना आया हो, कुछ और दे सकते हैं, लेकिन ये सेम चीज नहीं दे सकते, ये बात ख्याल रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर आए, अब यहां पर एक और नाम दे देते हैं, जैसे एक नाम दे दिया वर्तिका लिख दिया, एक और नाम लिख दिया। अब इसमें कुछ फील्ड में चेंजेस करने वाला हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर आए, यहां पर आईडी हमने दे दिया है, इसको मैं बना देता हूं रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है ये प्राइमरी ही की, सारी चीजें वही रहेंगी, बस मैंने फील्ड नेम चेंज कर दिया, रजिस्ट्रेशन आईडी कर दिया, ठीक है। अब ये है नेम, तो इसे कर देता हूं स्टूडेंट नेम, ये अलाउड है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट नेम कर दिया। अब यहां पर टेक्स्ट डेटा टाइप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर जब हम आते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी अलग अलग होना चाहिए, तो रोल नंबर की क्या कहानी है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम रोल नंबर को भी प्राइमरी की बना देंगे तो प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। अब देखिए यहां पर अगर मैं लिख देता हूं रोल नंबर, ये लिखा रोल नंबर, तो रोल नंबर भी तो यूनिक होना चाहिए, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको नंबर डाल देता हूं, ठीक है, और यहां से क्या करता हूं राइट क्लिक करके और ये प्राइमरी की पे क्लिक कर देता हूं। जैसे प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो यहां से प्राइमरी की हट जाएगी और यहां पर आपको प्राइमरी की दिखाई,
ठीक है, आपका भी कहना सही है, कंट्रोल दबा करके दोनों को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, हमने पहले किसे प्राइमरी की बनाया था, रजिस्ट्रेशन आईडी को, ठीक है, जो कि पहले आईडी थी सिर्फ। ठीक है, अब देखिए आपका यह कहना है कि कंट्रोल दबा करके दोनों को प्राइमरी की बना लिया जाए। ठीक है, तो यहां पे आए और इसको भी प्राइमरी की बना दिया। अब देखिए मेन जो प्राइमरी की है वो कौन सी है आपकी, चलिए एक बार इसको डेटा शीट व्यू पे लेते हैं और यहां पर ये देखिए ये क्या कह रहा है, पढ़िए पढ़िए इसको क्या कह रहा है। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, इंडेक्स और प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। ठीक है, पहले तो ये कह रहा है कि ये नल वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, नल वैल्यू यानी कि यहां पर जो प्राइमरी की आप बनाना चाह रहे हैं, ऑलरेडी बना दिया है हमने इसको, आप इसको प्राइमरी की बनाना चाहेंगे बन तो जाएगा ये, लेकिन ये एक्ट प्राइमरी की के जैसे नहीं करेगा, आपको ये साइन दिखाई पड़ेगा लेकिन आप वहां डुप्लीकेट वैल्यू भी एंटर कर पाएंगे। ये कहानी है प्राइमरी की की, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगा। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप कंपोजिट की बना लीजिए, कंपोजिट की, कंपोजिट की अनदर अनदर एक जो है फीचर है जिसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, प्राइमरी की यहां से हटा दिया मैंने, इसी को हम प्राइमरी की बना देंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम यहां पे जाते हैं, यहां पे ओके करते हैं, अब यहां पे रोल नंबर डालते हैं। चलिए यहां से रोल नंबर डालना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे रोल नंबर डाला 101, यहां पे रोल नंबर डालेंगे 102। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर तो प्राइमरी की ही होती है, ये तो पता ही है, नहीं ड्रैग का कोई फीचर नहीं होता है इसमें, ड्रैग नहीं करवा सकते क्या, हाँ हाईलाइट्स वगैरह कर सकते हैं, यहां से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, सब कलर वगैरह चेंज, ड्रॉप डाउन वगैरह नहीं हो पाएगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, उसका मेथड अलग है। ठीक है, तो मैनुअली डेटा आप एंटर करिए, मैनुअल ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा आपको सिर्फ कैल्क में मिलेगी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं लेकिन ड्रॉप डाउन का तरीका अलग है, मैं अभी बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 104 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं तो 105 हो गया, फिर यहाँ पर आते हैं तो 106 हो गया, इस तरीके से हमने रोल नंबर भी दे दिया। अब तो ये नल वैल्यू नहीं है, अब तो इसमें हमने कुछ ना कुछ एंटर कर दिया, खाली नहीं रहा, ये नल नहीं देगा। अब हम चलते हैं इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या अब हम इस पर वर्क कर सकते हैं, हम क्या इसको प्राइमरी की बना सकते हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं और कंट्रोल की जो आपने कहा उस पर हम रिसर्च करते हैं। तो ऊपर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आईडी प्राइमरी की है, हम इसको भी प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये हट जा रहा है। अब चलिए, अब ये बन गया, दोनों पे आपको प्राइमरी की नजर आ रहा है, आपका मतलब इसी से है कि ये जहां पे हो, ये लॉक सा लगा हो, ये चाबी सी जहां बनी हो वो प्राइमरी की है। ठीक है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स को भी ये कंफ्यूजन हो जाती है, खैर टीचर खुद कंफ्यूज रहता है, स्टूडेंट की मत ये छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं। अब देखिए यहां पर ये कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू यहां नहीं है, प्राइमरी की यानी बन गया। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी की या तो रजिस्ट्रेशन आईडी होगी या तो रोल नंबर होगा, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन चलिए देखते हैं शायद हो जाए। यहां पर मैं क्या करता हूं, 101 दोबारा डालने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब तो ये 101 दो बार एंटर हो गया, तो यानी कि ये प्राइमरी की नहीं है, सिर्फ की का साइन बन जाने से प्राइमरी की नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी। ठीक है, अब यहां रजिस्ट्रेशन आईडी में ट्राई करते हैं, जैसे यहां पर 11 दिया है, यहां पर 12 दिया है, तो यहां पे 11 दे देते हैं, देखते हैं 11 एक्सेप्ट करता है, यानी अब देखिए इसमें प्राइमरी की का एक्ट कौन कर रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी ही प्राइमरी की है। सिर्फ इसके वजह से यहां पे देख सकते हैं आप, पहले तो इसको हटाना पड़ेगा, ये देखिए यहां पे 11 हो गया है, इसको 12 कर लेते हैं और बाकी सारी चीजें तो ठीक ही है। यहां पर आए, अब देखिए सिर्फ इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइमरी की है। देखिए दोनों पे, रोल नंबर पे भी की सा बना हुआ है और रजिस्ट्रेशन आईडी पे भी की सा बना हुआ है, तो कई बार स्टूडेंट ऐसी गलती कर जाते हैं। खैर चलिए इसको हटा देते हैं और इसको नॉर्मल तरीके से रखते हैं। अब समझते हैं कि रोल नंबर भी डुप्लीकेट ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो रोल नंबर भी डुप्लीकेट ना हो इसके लिए क्या करना है, आइए देख लेते हैं एक बार। तो यहां से सबसे पहले तो इसको आप प्राइमरी की बना दीजिए, ये प्राइमरी की रहेगा ही रहेगा, और रोल नंबर पे आए, यहां पे नंबर है दिखाई दे रहा है, आप देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, इंडेक्स, तो इंडेक्स पे आते हैं नीचे प्रॉपर्टीज, फाइंड प्रॉपर्टीज के अंदर, फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर, और यहां पे यस नो डुप्लीकेट कर देते हैं, ये बन जाएगी कंपोजिट की। जैसे ही यस नो डुप्लीकेट किया आपने तो ये बन जाएगी कंपोजिट की। ठीक है, कंपोजिट की ये बन जाएगी। तो अभी ये यहां से पहले क्या करते हैं, पहले वापिस चलते हैं अपने मेन डेटा पर। ठीक है,
यहां पर आए, इसको ओके किया। यहां पर देखिए ये 101 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां पे 101 को कन्वर्ट कर देते हैं 102 में। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहां से सेव करते हैं, सेव कर दिया। अब चलते हैं वापिस से वहीं पे, ठीक है। अब ये जो यस डुप्लीकेट किया हुआ है इसको यस नो डुप्लीकेट कर देते हैं। जैसे यस नो डुप्लीकेट करेंगे, ओके करेंगे, यहां से यस करेंगे, तो अब जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन आईडी को प्राइमरी की बना दिया लेकिन रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया। ऐसे में यहां पर आते हैं और कोई रोल नंबर एंटर करते हैं, लाइक 17 इस बार एंटर करता हूं मैं। 17 एंटर करने के बाद यहां पर आते हैं और यहां पर एक और नाम मैं एंटर कर देता हूं, हितेश, ठीक है। और यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं 106 एंटर करने की कोशिश करता हूं तो ये ऑलरेडी कह रहा है। देखिए रोल नंबर रजिस्ट्रेशन आईडी तो डुप्लीकेट नहीं लेगा लेकिन ये रोल नंबर भी डुप्लीकेट नहीं लेगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कंपोजिट की का वर्क यही है, ठीक है। और एक्सेल में और ये जो आपका कैल्क सॉफ्टवेयर है और ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, क्या डिफरेंस है, उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा आप।